Mumbai.com. विश्वास वही रफ्तार नई। टोक्यो ओलंपिक में बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को अर्जेंटीना ने 2-1 से हरा दिया। इस हार के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम के गोल्ड जीतने का सपना भी टूट गया। अब भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए मैच खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम को देश भर से सेमीफाइनल के लिए दुआएं मिल रही थी। हर कोई मैच की पल पल पर नजर रखे हुए था, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत नहीं मिल सकी। फाइनल में जगह बनाने से चूकने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 6 अगस्त को कांस्य पदक जीतने के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि इसी दिन गोल्ड मेडल के लिए अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड्स से होने वाला है। इसके पहले भारत की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में शानदार शुरुआत की। भारतीय हॉकी टीम ने पहले क्वार्टर की शुरुआत में ही गोल दाग दिया। गुरजीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागा। भारत ने दूसरे मिनट में ही गोल दागकर अर्जेंटीना की टीम को चौंका दिया था। हालांकि पहले क्वार्टर में 7 मिनट बचे थे तो अर्जेंटीना को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे भारतीय डिफेंडर्स ने बेकार कर दिया। सेमीफाइनल का पहला क्वार्टर टीम इंडिया के नाम रहा। भारत ने 1-0 की बढ़त को कायम रखा। भारत की ओर से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने किया। अर्जेंटीना ने मैच में वापसी करते हुए पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल दागा। पहला हाफ खत्म होने के बाद दोनों टीम का स्कोर 1-1 की बराबरी पर था। अर्जेंटीना ने तीसरे क्वार्टर में अच्छी शुरुआत की। अर्जेंटीना को तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था। कप्तान मारियानो ने 36वें मिनट में टीम को बढ़त दिलाई। अर्जेंटीना की कप्तान का मैच में दूसरा गोल था, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना 2-1 से आगे हो गई। काफी कोशिशों के बावजूद भारतीय महिला हॉकी टीम वापसी नहीं कर सकी और अर्जेंटीना ने 2-1 से मैच जीत लिया। इस मैच में हार के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम का गोल्ड जीतने का सपना भी टूट गया। अब भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए खेलेगी, लेकिन जिस तरह से भारत की बेटियों ने मैदान पर अपना दम दिखाया, वो आने वाले सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा जरूर करती हैं। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।